वहम है ना, तो वो तो ये आपका पूरा मेडिटेशन सेशन के बीच में ही निकल जाएगा। अगर वो सिर्फ बहुत कम हो गया है मेरा, बहुत कम हो, पूरा ही खत्म हो जाएगा। आप मुझे एकदम लास्ट वीक्स में बोलोगे कि वो आपका पूरा खत्म हो गया, क्योंकि ये छोटे इशू हैं, बहुत छोटे, एकदम माइनर। आपको वहम हो रहा है ना, जब ये इश्यूज बढ़ते हैं तो हम उसे OCD बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं। तो ये यहीं खत्म हो जाएगा। मेरे पास तो सीवियर केसेस आते हैं OCD के, वो ठीक होके चले जाते हैं। आपका तो अभी माइनर है, मतलब शुरुआत ही हो रही है वहम की, टेंशन की। आप मुझे लास्ट वीक में बोलोगे। नेक्स्ट वीक से आप लोगों को एक टास्क मिलने वाला है जो पागलों के तरीके से खुद के प्यार में आपको ला देगा, ठीक है? सो डोंट वरी। तो वो टास्क मैं कल शेयर करूँगी, और आपको कमिंग पूरा वीक वो टास्क मुझे करके देना है, और प्यार कराएगा यार वो टास्क आपसे, ठीक है? मुझे ना आपसे ना थोड़ा सा बस एक्सपीरियंस जानना है। क्या? तो मेरे पास आने के पहले का, ओके, तो आप उसके बाद और ऑनेस्ट बताना, ये बटर वाला नहीं, मुझे नहीं बटर वाला नहीं बताऊंगा। तो अगर कुछ गंदा भी हो ना, डू लेट मी नो, नो प्रॉब्लम। तो आपसे मिलने के पहले जो था ना, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे चक्रा मेडिटेशन वगैरह पे, बट ना उसको अच्छी तरीके से मैं कभी समझ नहीं पाई थी। वो आधा अधूरा ज्ञान होता है जो हम लोग करते हैं, तो उतना अच्छे से ना मैं सीख नहीं पाई थी। बेसिकली मुझे इंटरेस्ट तो बहुत था, और मुझे ये नहीं पता था कि इस लेवल तक हीलिंग होती है किसी इंसान की। मुझे ऐसा लगता था ठीक है, जो सारे मेडिटेशन होते हैं वैसी टाइप का ये भी मेडिटेशन होगा। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं आपसे ज्वाइन हुई, मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो मुझे एक्चुअली में इंटरेस्ट आने लगा। मुझे उस लेवल तक पता चला कि किस लेवल तक हीलिंग होती है हर एक चक्रा की। हर एक चक्रा जो है हर एक प्रॉब्लम से जुड़ा होता है, और फिर उस चीज को मैंने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया कि अगर ये प्रॉब्लम है तो मतलब ये चक्रा जो है हमारा इम्बैलेंस है। और हर एक चक्रा का नॉलेज फिर आपने दिया कि अगर ये प्रॉब्लम है तो मतलब ये चक्रा तुम्हारा इम्बैलेंस है, और इस चीज पे तुम वर्क करना स्टार्ट करो। तो जिस तरीके से भी आपने एक एक चक्रा पकड़ के हमें सिखाया, हर चक्रा का भी नहीं, वैसे भी जो आपने हीलिंग मेडिटेशन हमें करवाई है, 5 senses मेडिटेशन करवाई है जो हमसे, और हमारी मैनिफेस्टेशन जो हमसे करवाई है, वो सब इतनी डीप लेवल पे हुई है दी, जो मैंने कहीं नहीं, किसी वीडियो में नहीं देखी, और कहीं मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं की। तो वो तो मतलब मेरे एकदम दिल के करीब है दी। तो उसके लिए तो मैं कितना भी आपको थैंक यू बोलूं तो वो कम ही है। मतलब मुझे इतना इतना सेल्फलेस लव जो आपसे मिला है ना दी, वो मैं अपने कृष्णा की कसम खा के कह रही हूँ, उतना कहीं से मुझे इतना सेल्फलेस लव नहीं मिला है दी। जो आपसे मुझे इतना सेल्फलेस लव मिला है वो कहीं से नहीं मिला। और उस इस मेडिटेशन के जरिए ही जो मैं पहले थी और आज जो मैं हूँ, इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, इतना इमोशनली बैलेंस्ड, वो सिर्फ और सिर्फ दीदी उसका क्रेडिट आपको जाता है, और वो किसी को क्रेडिट नहीं जाता। आपने जिस तरीके से मेरी हीलिंग की है, मेरे हर एक पर्सनली लेवल पे आपने जो प्रॉब्लम समझ के उसका सोल्यूशन दिया है ना दी, वो कोई नहीं देता है। मैंने बहुत जगह गई हूँ, मैंने बहुत पर्सनली हर इंसान से मैंने बात की है और मेडिटेशन की, बट इस लेवल का मुझे कहीं पे भी नहीं दिखाई दी। मतलब वो आप मेरे दिल के बहुत करीब होती, और मैं ये कोई बटरिंग नहीं करवाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आपने जिस लेवल पे किया है ना दी, वो उस लेवल पे किसी ने नहीं किया मेरे लिए। तो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दी। आई लव यू प्राजिता, आई लव यू मोर दी, आई विल ऑलवेज लव यू मोर। इतना तो आप समझ लो, I will always love you more. मतलब just to have you. Thank you so much. नहीं, मेरी थोड़ी medical condition थी, so वो 5-6 साल से solve भी नहीं हो पा रही थी, तो इसके वजह से मैं बहुत थोड़ा सा pain में रह रही थी। पर जब दी को पता चल गया तो वो almost मेरी 4 महीने में 90% heal हो गई है, और अभी तो continue में कर रही हूँ। तो वही है, अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हील भी हो गई हूँ, और अभी क्या आगे जाके। और पहली बात तो दीदी, हम जो जितने गर्ल्स ग्रुप है वो आपके ज्यादा क्लोज है, तो वो बड़ी बात है कि हम जितने 8 लोग हैं उनको आप बहुत स्पेशल समझते हो। आप हमारे लिए तो स्पेशल हो, बट
आपके लिए हम लोग स्पेशल है, वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है थी, तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. थैंक यू सो मच भक्ति अपना प्रीशियस टाइम मुझे देने के लिए और आपको ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे बताने के लिए. इट मींस अ लॉट. यस जी. सीने के नीचे से मेरा शरीर पूरा सुन्न है, कुछ भी पता नहीं चलता. लैट्रिन पेशाब का कोई मारे काटे पीटे कुछ भी चीज का पता नहीं चलता है. मैं दीदी से एक सेशन से जुड़ा हूँ कुछ टाइम पहले, करीब 2 महीने पहले दीदी का मैंने एक सेशन अटेंड किया था. उसके पहले मैं दीदी का कुछ वीडियो देखता था, तो दीदी के वीडियो में कुछ चीजें मैं करता था लेकिन मुझे सही टेक्निक नहीं मिली थी करने का, सही टेक्निक या उसको सही तरीके से नहीं कर पाता था. जब से मैंने सेशन चालू किया दीदी का तो मुझे सही टेक्निक का पता चला. दीदी ने बताया एक बाई स्टेप, स्टेप बाई स्टेप कि किस हिसाब से करना है अपन को, अपना अपना शरीर को हील कैसे करना है. तो मैंने ये चीजें चालू की, मेडिटेशन चालू किया दीदी के वर्कशॉप से, तो मुझे अच्छा फील होना चालू हुआ है. और पहले तो मुझे ऐसा कि गुस्सा नर्वस ज्यादा होता था, मैं ज्यादा गुस्सा रहता था, लेकिन अभी मैं कुछ कंट्रोल हुआ हूँ गुस्से में. किसी की बात तो जैसे मेरी बात तो कोई सुने नहीं घर वाले, तो उसमें गुस्सा होता था, तो मैं उसको बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ. मैंने अभी आपका ये बैक स्वेल ठीक हो जाए ना, फिर आप एक्सरसाइजेस एकदम रेगुलर भी कर. जी जी. थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी, आपने मुझे अपना टाइम दिया उसके लिए सच में दिल से. और दीदी एक बात और बोलना चाहता हूँ. बोलिए दीदी. आज वैसे टीचर रहे हैं तो हमारे गुरु हो आप, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो हम तो आपको हमारे गुरु मानते हैं, आप हमारी लाइफ में आए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप हमारी लाइफ में आए. तो हमारी लाइफ को चेंज करने का आपने सभी का जो बीड़ा उठाया है वो आपका बहुत अच्छा प्रयास है दीदी. और सभी को मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी आपका सेशन अटेंड करता है तो उनको सभी को अच्छे से अच्छा फील होता है और कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिलती है. एक ये हो सकता है कि भगवान जो चाहे वो होता है, लेकिन जैसे अब मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि मेरी कंडीशन नहीं हो, लेकिन मैं इतना है कि मैं बहुत कुछ अच्छा करूंगा, ये हो सकता है मेरे साथ. बिल्कुल करेंगे, अच्छा बहुत अच्छा करेंगे आप देखना, और दुनिया बोलेगी और हम भी बोलेंगे, और एक दिन आप ना चल चल करके हमारे साथ में अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे होंगे. जी दीदी, थैंक यू दीदी. ओके भाई, थैंक यू सो मच अपना टाइम मुझे देने के लिए, और थैंक यू. अपना ख्याल रखिए, बैक सोल ठीक करिए पहले, उसके बाद फिजियोथेरेपी एकदम, ठीक है? जी दीदी. थैंक यू. हाय वैशाली, कैसे हो आप? दीदी मैं बहुत अच्छी हूँ. हाँ बताइए, मुझे आपका एक्सपीरियंस जानना है. जब मेरी होती थी तो मेरे से ज्यादा मेरे घर वाले ही परेशान होते कि अब ये क्या करेगी, क्योंकि मैं तो इतना डर जाती थी, बीमार पड़ती थी, इतना टेंशन मुझे आता था. पर अब जो एक एग्जाम हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने इतनी बड़ी एग्जाम दे रही है दी है, क्योंकि पहले तो भी मैं शांत थी एग्जाम देते वक्त, और वो एग्जाम हो गई तो भी मैं शांत ही एकदम कूल, लगता ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी एग्जाम दे रही हूँ, और एकदम अच्छा लगा. एग्जाम कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा हो गया है. वाह, चलो रिजल्ट हमारे साथ में शेयर करना आप. हाँ जरूर करूंगी दीदी आपके साथ में. तो पहले ही सोच रखी थी कि जब मेरा रिजल्ट लगेगा तो पहले तो पहला कॉल तो आपका ही होगा. ओ वाह, कब आएगा आपका रिजल्ट? अभी तो एग्जाम एक हो गई है, अभी एक बाकी है, तो फिर रिजल्ट हमको मिलेगा. ठीक है, हमारे साथ में जरूर शेयर करना वैशाली. थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए. आई लव यू दीदी. बाय. आपका ना एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ मैं, बिफोर एंड आफ्टर का, मतलब क्या एक्सपीरियंस किया आपने? एक्सट्रीम गंदे स्टेज में मैंने ज्वाइन किया था, सीवियर डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड ऑल इश्यूज एंड ऑल. लेकिन ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद से ही जो मेन चेंजेस आए वो मेरे अंदर सबसे बड़ा चेंज आया पॉजिटिविटी. दो ऐसा नहीं है कि आज मैं चीजों को लेकर अपसेट नहीं होती, मैं आज भी चीजों को लेकर अपसेट होती हूँ, बट फॉर अ वाइल, फॉर अ मिनट. उसके बाद मैं फटाफट चीजों से बाहर आती हूँ, फटाफट. मतलब ऐसा नहीं है कि लिंगर ऑन चलता जा रहा है, वो चलता जा रहा है. दूसरी चीज जो मुझे लगती है वो ये लगता है कि मैं अपने थॉट्स के प्रति बहुत अवेयर हूँ. एक दिन भी अगर मैं गलत थॉट्स पे जाती हूँ या थोड़ा होती हूँ तो मुझे दूसरे दिन दोबारा
चीजें अपने आप के लिए वर्क करने का मन करता है. तीसरा माइंड बहुत पीस हुआ है, इतना पीस. मैं एंजाइटी की टेबलेट्स ले ली थी, मैं सब बंद कर चुकी हूँ. मतलब तीन तीन चार चार टेबलेट्स चलती थी, वो मेरी सब बंद हो गई. माइंड बहुत पीस है, रिलैक्स है. और सबसे ओवरऑल जो सबसे ज्यादा अच्छा फील करती हूँ वो सेल्फ लव की बात करती हूँ. खुद से प्यार करना क्या होता है वो मुझे मेडिटेशन के या ये कोर्स के बाद पता लगा है, और शायद उसके बाद जीना भी उसी के बाद आया. क्या बात है. ओवरऑल आप एक तरीके से ब्लेसिंग हो. आप मतलब मैं ये मानती हूँ मेरे लिए लाइक फादर एंड मदर यू आर लाइक अ फैमिली, और आपने वो दिया है मुझे जो जिंदगी में ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिलता. एंड आई लव यू. अब यार रुला दोगे यार, मारोगे पकड़ा दोगे. मतलब ना मैं कोई नहीं दीदी, मैं बहुत दिल से ही बात बोल रही हूँ. जैसे मेरे मम्मी पापा है ना मेरे लिए, कहते हैं वो नहीं आप हमेशा रहोगे, यू आर लाइक अ फैमिली. मतलब जो आपने यार मुझे एक नया बर्थ दिया, मैं जानती हूँ ना मैं कैसे फेस में थी. आज मुझे कुछ भी परेशानी होती है बस मैं एक मैसेज कर देती हूँ कि ये बात है, और आपका वही रिस्पॉन्ड ऐसे जैसे मदर फादर कुछ करते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं, वही आपका होता है. गुस्सा भी आपका होता है लेकिन वो अपना होता है. अच्छा आप डांट खाते हो. डांट भी बहुत खाती हूँ मैं, मैंने बहुत खाई है. बट थैंक यू सो मच. For being with I love you so much. I love you. So much, Nisha. I love you. आपने मुझे अपना टाइम दिया, इतना सुंदर कुर्ता पहन के, उसके लिए thank you so much. Bye. Bye. Hi, Asma. एक दिन मैं YouTube पे ऐसे सर्च कर रही थी. एक्चुअली मैंने देखती थी वो कुछ वो वीडियोस वगैरह, उसमें ना एक वर्ड आता था मैनिफेस्ट, तो मुझे नहीं पता था उसका मीनिंग क्या होता है. तो ऐसे मैंने YouTube पे डाला मैनिफेस्ट, आप दिखे मुझे. वाह, मैनिफेस्ट वर्ड भी मैं दिख गई, ये कैसे हो गया? यानी कि हम दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर लिया ना आसमा. यस सर. ओके. उसके बाद आपकी वीडियो देखी, कुछ प्रॉब्लम होती थी तो लगता था सपोज कुछ भी एनीथिंग रोजमर्रा की लाइफ में, ये लगता था कि मतलब आज मैं सो गई तो नेक कुछ हुआ तो मैं मैडम की वीडियो देख लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी. अच्छा अच्छा लगा आसमा मुझे आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई लव यू डार्लिंग. मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर वाले डायलॉग, कल पारिका का डायलॉग सुनना चाहिए था. पारिका सेड, वो मैं रखूंगी उसका डायलॉग, आप मेरी ट्रेन में आगे लगने वाला इंजन. मुझे तो बहुत फायदा हुआ है मैम, बहुत ज्यादा. मतलब मैं दूसरे लोग मुझे आके बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि तुम पहले से बहुत चेंज हो गई हो, तुम बहुत खुश रहने लगी हो, ग्लो करती हो. पहले तुम रोती रहती थी हर बात पे. ऐसा नहीं है कि अभी सिचुएशन नहीं आती, सिचुएशन आती है लेकिन अभी ठीक है, वो मैं हल्के में लेती हूँ, ज्यादा वैसा नहीं. मुझे तो बहुत फायदा हुआ है हल्के और मेरे मतलब ठीक है, जो चीज है वो निकल जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है, उतना नहीं. घर पे भी मैं सबको यही बोलती हूँ, कोई दिक्कत आई है हाँ वो चली जाएगी, ठीक है. और मेरे ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत खराब था, मतलब मेरे लिए बर्स था. मैं नहीं, मैं चाहती थी मैं भाग जाऊँ यहाँ से, कहीं मैं काम नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी मेरा ट्रांसफर हो जाए. अभी तो सब मतलब बहुत अच्छा है, मैंने 85% ठीक हो गया. 85% ठीक हो गया. हाँ ठीक हो गया है सच में. और पता नहीं कैसे ठीक हुआ, मुझे नहीं मालूम, मैंने उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले, लेकिन पता नहीं कैसे. और अंदर से भी मुझे काफी लाइट फील होता है, और कुछ भी ऐसा जैसे जो चीज मुझे एक चीज पर्टिकुलर एक चीज थी जिसकी वजह से मैं हील होने के लिए मैंने ये सेशंस लिए थे, वो हील हो गया. मतलब मुझे ऐसे नहीं लगता, अंदर से दुखी में हर्ट फील नहीं करती. लेकिन आपको पता नहीं है ये कैसे हुआ.
कल ये रिपीट नहीं होने वाला, कल दो चक्रा मेन रहेंगे, फिर बाद में मैं नीचे आऊंगी, पांचों के साथ में सेवन के सेवन चक्रास लूंगी एंड देन आपको मिलेगा होमवर्क। होमवर्क होगा दो चक्रा का, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, उछलना नहीं कि वाह। लेकिन ये जो हीट अप वाला मैंने आज आप लोगों को बताया है, अगर आप चाहेंगे तो मैं शुरू के 5 मिनट तक ही आपको एक्सरसाइज करवा सकती हूँ, अदरवाइज नो। हाय जैमिनी, कैसे हो आप? हाय दीदी, मैं ठीक हूँ। चलो बताओ कैसा लगा आपको, आपने पूरा सेशन दिया है और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको, शुरू में क्या था और अभी क्या है, फटाफट से बता दो। यस, शुरू में मैं ऐसी इमोशनल बहुत थी और छोटी छोटी बात दिल पे लगा के घूमती रहती थी, और जब ये वर्कशीप लिया और आपने जो मेडिटेशन करवाया ये सब किया और आगे चले, आपका साथ मिला, अच्छी अच्छी दोस्त मिली, और मेरे में खुद में इतना बदलाव आया गया है कि मुश्किलियाँ तो आती रहती है पर मैं आज इतनी स्ट्रांग हूँ ना कि कुछ भी हो पर अंदर से पॉजिटिव फील होती है, स्ट्रांग फील होता है कि होता है, सब होता है, पर इससे लड़ना है और जीना है। आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप ना आज मेरे लिए वो है जो मेरे माँ बाप से भी ऊपर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे अरे, क्योंकि मैं वो स्टेज पे थी कि मरने की स्टेज पे थी तब आप मुझे मिली है, और आज मेरे में इतना बदलाव है कि मैं बोल नहीं सकती आपको। थैंक यू, आई लव यू सो मच। और मेडिटेशन कंटिन्यू रखना, और ये चीज हर वक्त आपको हिम्मत देती रहेगी, आपको हिम्मत से काम लेना है, ठीक है? बाय बाय बाय। ये हीलिंग सेशन के पहले और बाद का, मुझे बिफोर एंड आफ्टर। ओके, पहले मैं डिप्रेशन में थी, मतलब ऊपर आ गई थी पर पूरी तरह हील नहीं हुई थी। फर्स्ट, सेकंड थिंग मैं ओवर थिंकिंग करती थी हर चीज के बारे में। थर्ड है, बहुत मतलब अगर कोई बोलता था, ये बोलता था, मतलब अगर मैं टीवी में कुछ सुन भी लेती थी ना तो बहुत मतलब एक तो लग जाता था या फिर उल्टा सीधा सोचती रहती थी, वही सब ओवर थिंकिंग। तो ये सारी चीजें ना बहुत हद तक मतलब हील्ड ही होगी, पूरी तरह हील्ड होगी, ऐसा बोलने में कोई हरकत नहीं। मैनिफेस्टेशन के बाद में हमें खुश होना चाहिए या हमें ऑलरेडी खुश रहना चाहिए? मुझे ये जानना है कि आप जब शुरू में आए थे तो क्या लगता था कि मैं मैनिफेस्ट हो जाएंगी चीजें तो आई विल बी हैप्पी, या फिर अभी क्या समझ में आया वो मुझे बता। पहले मैं सोचती थी मैनिफेस्टेशन के बारे में, वो पता था, मतलब पहले से मैनिफेस्टेशन कैसा करना है वो पता था कि अगर हम पहले खुश होंगे तो ही, बट वो हो नहीं पा रहा था हर वक्त। अरे अगर जॉब मिल गई तो ही मुझे ये सारी चीजें मिल पाएंगी, ऐसा लगता था मुझे अभी। बट हाँ, और अभी नहीं लगता वैसा, पहले खुश होना पड़ता है फिर सारी चीजें आती हैं। पहले खुश होना पड़ता है, दिस इज ओके। बहुत अच्छा लगा सिद्धिता आपसे बात करके, आई लव यू सो मच। थैंक यू। शुरू का आपका बिफोर एंड आफ्टर मुझे जानना है, वो आप ना मेरे लिए मत बोलना, इसलिए मत बोलना कि मुझे ये चीज अच्छी लगे ना, आपको क्या लगा मुझे वो जानना है, एंड वो ऑनेस्ट ओपिनियन होना चाहिए क्योंकि मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन ही चाहिए, ये मेरे लिए एक्ट। मैम ऑनेस्टली बताऊं तो आपका सेशन ज्वाइन करने से कुछ वीक्स पहले, मतलब कुछ मंथ्स पहले तो सच में बहुत ही अजीब सा मतलब सिचुएशन था, बहुत ही ज्यादा। फिर बहुत ज्यादा खुद को ये किया मैंने, खुद को ही मोटिवेट किया, नहीं नहीं ठीक है हो सकता है ये ठीक होगा वो ठीक होगा, बट पता नहीं कहाँ से सडनली आपका वीडियो आता भी था ना तो ऐसे ये हटा दे दी, मुझे यार क्या है ये। और सच बताओ मैम तो हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे, बिल्कुल भी नहीं। फिर देखा मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ पता तो है नहीं, चलो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो कोर्स ज्वाइन किया, फिर कोर्स ज्वाइन करने के बाद फिर बहुत सारी चीजों में तो मैं पहले से ही खुद से बहुत थी, मतलब कॉन्फिडेंस तो शुरू से ही मतलब था, लेकिन फिर ये था कि थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग बहुत ज्यादा चेंज हो गया। मतलब पहले था कि एक चीज अगर दिमाग में माइंड में चले ना तो चलते रहता। अभी ऐसा लगता है ओहो क्या है, क्यों इतना प्रॉब्लम कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से।
यहाँ पर आने के लिए और आपके खूबसूरत से ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए. इट्स रियली मीन इट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू सो मच. आई लव लाइफ चेंज करने के लिए. थैंक यू सो मच. आई लव यू सो मच. बाय. मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा खुल के बात करें और आई वॉन्ट योर ऑनेस्ट ओपिनियन. कुछ भी ऐसा नहीं कि मुझे बताने के लिए लगे. ओके ओके. मैंने शांभवी मैम का वर्कशॉप किया और जिस टाइम पर ज्वाइन किया था उस टाइम पर मैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही थी. सारा टाइम रोते रहना, बहुत ज्यादा परेशान, पर्सनली कुछ प्रॉब्लम थी. सर्च करते करते मैम को सुनते रहते थे. उसके बाद मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया, मन में आया शायद, और वो यूनिवर्स का एक साइन था आई थिंक, क्योंकि उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हुई है. चेंज इस तरह से हुई है कि पहले बहुत जल्दी हाइपर हो जाती थी, बहुत जल्दी रोती थी, बहुत जल्दी हंसती थी, खुद की बॉडी पर, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं था बिल्कुल भी. लेकिन आज कंडीशन ये है, कैसी भी सिचुएशन हो खुद को कंट्रोल करना सीख गई हूँ. बात बात पर गुस्सा नहीं होती, बात बात पर दुखी भी नहीं होती, हंसती भी नहीं, नॉर्मल रहती हूँ. इवन सच में मैं ये कह सकती हूँ कि मैं नॉर्मल रहती हूँ और बहुत अच्छा फील होता है. मेडिटेशन क्या होती है, कैसे हम खुद के इमोशंस कंट्रोल करते हैं, किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, बहुत सारी चीजें इस एज में, इस स्टेज पर आकर मैंने सीखी हैं शांभवी मैम से. मुझे हीलिंग प्रोसेस के बारे में जानना है थोड़ा सा, क्योंकि ना पता है क्या, अगर मैं बोलूंगी ना तो वो मेरे बोलने जैसा हो जाएगा कि मैं बोल रही हूँ. मैं चाहती हूँ आप बोले, क्योंकि आपने किया उसको मेरे साथ में किया, मैंने आपको अपने साथ में सिखाया. तो थोड़ा सा आप हीलिंग के बारे में बोलेंगे प्लीज. फर्स्ट डे जिस दिन मैंने वर्कशॉप का ज्वाइन किया था, उस दिन से ही मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई थी और ये मुझे फर्स्ट वीक में ही समझ भी आ गया था. I can see your smile. यार. और तो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मैं आज एक नई अमृता से मिल रही हूँ और मैं ब्लेस्ड हूँ यार. थैंक यू सो मच. I am blessed कि मैं आपसे मिली और मैंने लाइफ में इतनी चीजें सीखी. जब तक मैं आपको ध्यान से नहीं देखूंगी ना तो उसके साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं, और साइड इफेक्ट हो गए ना तो वो एक्सट्रीम लेवल पर खराब हो सकती है चीज, है ना. जो हम अच्छा करने जा रहे हैं उसको उल्टा हो जाएगा. कि मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ कि यार मुझे ना उस पर वीडियो नहीं करना, इन केस 1% भी किसी एक इंसान को भी उसका कोई साइड इफेक्ट आए ना तो मेरी तो वाट लग जाएगी. तो ये एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे आप तो अपने तरीके से बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत इजी वे में हरे. मैं तो मैंने आपको बताया था पिछले 1-1.5 साल से मैं कंसिस्टेंट मतलब इस चैनल के साथ बनी हुई हूँ. हालांकि मेरे को वर्कशॉप के बारे में बहुत बाद में पता चला था, पहले नहीं पता था, बट जब से मैं इस चैनल के साथ जुड़ी हूँ तो यू नो शुरुआत में हमें मैनिफेस्टेशन का बड़ा क्रेज होता है. क्या चीज होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है. मैंने बहुत अप्लाई किया और मेरे को मैक्सिमम टाइम सक्सेस ही मिली है, मैक्सिमम टाइम. बट जब मैंने वर्कशॉप अटेंड की, वो जो फेज था वो एक अलग ही फेज था. मतलब मैनिफेस्टेशन ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, बट एक मेडिटेशन से जो आपके अंदर कामनेस आती है, जो शांति आती है ना, वो बहुत अलग चीज होती है. उसका जो कह रहे उसका मजा ही कुछ और है. सबसे पहली बात तो थैंक यू कि आज आप सबसे ज्यादा आई थिंक सो आज ही आप बोले हो, है ना. मेरे को मैं खुद अभी खुद मैं अंदर सोच रही हूँ यार, मैं कभी बोलती नहीं थी वर्कशॉप में, तो आज मैं भागी भागी आई हूँ कॉलेज से. आते ही फटाफट जो मैं ओपन किया, मेरे पास अनिल सर का फोन आ रहा है, मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी. थैंक यू सो मच ज्योति आने के लिए, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था इस चीज को ऐसे देखने का उसको बताने के लिए, थैंक यू, दिल से थैंक यू. थैंक यू मैम, आपने लाइफ चेंज कर दी हमारी. थैंक यू सो मच. हाय नेहा. Hi, कैसे हो डार्लिंग? ठीक हूँ, एक दो दिन से थोड़ा वायरल. और अरे यार क्या है ये वायरल, आपको लग जाता है या आप वायरल को लग गए हो क्या? पता नहीं मैम, तवेदी पता नहीं, हेल्थ हीलिंग नहीं हो पा रही है. अच्छा ठीक है, एक काम करो, हेल्थ के लिए वाटर एफर्मेशन तो ले रहे हो ना डेली? ठीक है, अभी ग्रेटिट्यूड जर्नल में भी लिखना शुरू करो कि मैं बहुत हेल्दी हूँ.
रोज रात को लिखा करो, 11 बार लिखा करो और दिल से लिखा करो, लिखो आई एम हेल्दी आई एम हेल्दी आई एम हेल्दी, ठीक है? ठीक है, हाँ बोलो। मेरा तो एक्सपीरियंस आपने शायद लास्ट डे ही देख लिया था कि जैसी मैं पहले थी शायद वैसी तो नहीं रही, बहुत ज्यादा हील हो गई थी, रिलेशनशिप को लेके भी हील हो गई हूँ और जॉब को लेके भी बहुत ज्यादा हील हो गई थी। पहले मैं उस जगह से निकल नहीं रही थी, घर से निकलने में डर लगता था, लेकिन आज भोपाल में आके बैठी हूँ। और हेल्थ इश्यूज तो 2-3 दिन से चल रहा है, जॉब भी ज्वाइन करी है मैंने बट वो जॉब मेरे लायक नहीं थी तो फिर मैंने वो छोड़ दी। मैंने आपसे बात करी थी। अच्छा, आपने छोड़ दी वो जॉब? मैम बहुत नेगेटिविटी थी उसमें और वहीं से मेरी हाँ हेल्थ बिगड़नी चालू हुई वहीं से। और रिलेशनशिप को लेके तो क्या ही बोलूं, ऐसा पीछे भगवान, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देख लो कैमरे पे आने वाले हो आप, देख लो आप रहोगे पूरी ऑडियंस के सामने, देख लो वो भी देखेगा आपको। हाँ तो मैं तो खुद कहती हूँ कि अब क्या है, कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ऐसा वैसा, मैं खुद कहती हूँ तो बोले ठीक है ना, मेरे को तो करना है बात, मेरे को तो रहना है, मेरे को तो ये सब भी पीछा करना छोड़ दिया मैंने तो बिल्कुल ही छोड़ा। ठीक है आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। मम्मी अभी शादी वगैरह के लिए बोलती है तो मैं बोलती हूँ मम्मी को हाँ ठीक है ना कर लेंगे, मैं योगा थेरेपी कर रही हूँ भोपाल से, तो क्लासेस भी मिल रही है मुझे योगा की। Wow, that's great. और योगा की भी मिली है और इवन होम ट्यूटर वाली भी क्लासेस मिली है। okay, और हुला हुप भी सीख रही हूँ। अरे वाह, हमें भी थोड़ा सिखा देना यार। हाँ तो ये सब न्यू चीजें तो हो रही, बस हेल्थ में थोड़ा सा हो जाए प्रॉब्लम, वो करो आप ठीक हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी तो हील रहती हूँ बाकी। और जो वर्कशॉप ज्वाइन किया था तब आपने मेरी तो देखी थी ना तबीयत कैसी थी, उसके बाद से तो वर्कशॉप के जो लास्ट डे, हाँ वर्कशॉप के लास्ट डे तो मतलब इतना अच्छा, मतलब इवन मेरी सिस्टर का भी है, उसको भी एक कंपनी में जॉब मिल गई है। वाओ गुड। और उसका तो मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसको तो अच्छी जॉब मिल गई, अभी आपका भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। ओके नेहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच अपना समय मुझे देने के, थैंक यू आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपके वीडियोस फ्लैश किए यूट्यूब पे और मैंने देखना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा, फिर मुझे मैसेज भी वो दिखा कि वर्कशॉप ज्वाइन करने की। मैंने सोचा कि एक बारी मैं पहले बात कर लूं और उसके बाद वर्कशॉप ज्वाइन करूं, और जब मैंने सर से बात की तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा सर से बात करके जब इतना पॉजिटिविटी मिल रहा है तो मैम से बात करने पे तो क्या ही हो जाएगा। ओए होए क्या बात है, आई लव यू। और सीरियसली मैंने 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना मैंने सर को कहा कि मेरी बुकिंग इसमें आप करा दो। सीरियसली तब से लेकर के अब तक की मैं जो जर्नी अपनी देख रही हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आई है, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच, आई लव यू दी। थैंक यू टू यू दी, आपको थैंक यू बोलना चाहिए मुझे क्योंकि आपने लाइफ एकदम चेंज कर दी है। लाइक सीरियसली, कहां मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में लगता है ना कि अकेले हूँ और खुश हूँ और बहुत ही खुश हूँ। आई लव यू। नाउ आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड और मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बाहर कैसे दिख रही हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूँ। और सबसे मेन बात, मतलब मेरा ऐसे था कि कोई भी चीज कोई मुझे बोले या कोई कुछ कहे तो मेरा उसी वक्त उनको लेकर एक रिएक्शन रहता था, जो कि अब आफ्टर वर्कशॉप बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। लाइक ऐसा हो गया है ना कि तुम मेरे सामने कुछ भी करो, मैं एकदम शांत रहूंगी, मैं एकदम कूल रहूंगी, तुम पूरी भड़ास मुझ पे निकाल लो, मैं रहूंगी हाँ भाई बोल ले तू, जितना तेको खुशी मिली ना मुझे गालियां देके ठीक है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मुझे तुमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि तुमको कुछ गलत बोल के या सही बोल के। वैसे आप बाहर से भी बहुत सुंदर लग रहे हो, बाहर से भी उतने हैप्पी लग रहे हो, बाहर से भी बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो, ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है मैम, पता नहीं क्यों। और मेरी सराउंडिंग्स भी, मतलब लोगों का बात करने का तरीका या फिर जो भी है, बहुत ऐसे बदल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं ये मतलब मैं खुद फील कर पा रही हूँ कि मैं अंदर से बहुत अच्छी तरीके से हील हो चुकी हूँ। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
सो मच, थैंक यू सो मच, आपका टाइम आपने मुझे दिया उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। मैं अपने आप से बहुत अच्छी हूँ, मुझे अभी उस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है वो जो हो रहा है सो हो रहा है, पर मुझे अच्छी लाइफ जीनी है और जी रही हूँ दीदी। ओह, और आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू। हाँ, आपका कुछ ऐसा पर्सनल मैटर है तो मैं उसे वो बहुत ओपन नहीं करना चाहती, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ शुरू और बाद में, बीच में तो पूरा प्रोसेस ही फॉलो किया आपने, मुझे शुरुआत जाननी है आपकी थोड़ी सी और बाद का जानना है, उसमें आपकी प्राइवेट जो लाइफ है उसके बारे में नहीं जानना है, मुझे सिर्फ प्रोसेस में क्या फील हुआ वो जानना है। दीदी शुरू शुरू में तो मतलब मैं ऐसे कंडीशन में थी कि मैंने आपको खुद ही रिक्वेस्ट किया कि दीदी मुझे ले लो नहीं तो मैं फट जाऊंगी। उसके बाद जब रिलैक्स मिलने लगा, आपने जो जो करवाया, मतलब मेरे को ऐसा फील होता था जब भी मैं बैठती थी करने के लिए तो मुझे लगता था नहीं, पूरा टेंशन और जो सर दर्द है वो सब निकल गया मेरा, जो सो नहीं पाती थी रातों को वो मैं सोने लगी, अभी भी सोती हूँ। नहीं सुनने को मिलता था तो ज्यादा डिस्टर्ब होती थी, पर अभी सोती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और अभी दीदी लाइफ अच्छी चल रही है, और आपने जो करवाया उसके बाद से सच में मेरी लाइफ, मेरे प्रति मेरा जो नजरिया था वो चेंज हो गया है। बस वो इम्पोर्टेंट, जैसे मुझे लगता था कि मैं कुछ हूँ नहीं, सारी गलतियां जो भी खराब वो सब मैं ही हूँ, वो अभी निकाल दिया है, वो मैं नहीं हूँ। हाँ, यस, यू आर द बेस्ट। और वो भी आप ठीक, मतलब सब ठीक होने वाला है, रिलैक्स, आई लव यू, अच्छा लग रहा है आपकी आज स्माइल देख के ना, मेरा दिल गदगद हो गया, थैंक यू सो मच सपना। थैंक यू दिया आपको। आपका हीलिंग का ना एक्सपीरियंस जानना है जया, छोटे से में ही जानना है, बस जानना है मुझे, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट। जी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये वर्कशॉप, मैंने दो बार किया है ये वर्कशॉप क्योंकि मुझे बहुत जरूरत थी, पहली बार मेरा नहीं हुआ था, जब मैंने सेकंड टाइम फिर ज्वाइन किया। जब हम ज्वाइन करते हैं ना तो हम ना खुद से हारे हुए रहते हैं, ऐसा लगता है हम कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा चीजों में हमारा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जब ये वर्कशॉप मैंने किया अभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, अभी मैं खुश हूँ, मिले ना मिले मुझे सच्ची फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, मुझे बस इतना है कि नहीं मुझे खुद से प्यार है, मुझे मेरी लाइफ से प्यार है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, खुद से प्यार होना चाहिए ना, सेल्फ लव। और मुझे इतना पता है जो होगा बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा क्योंकि आप डिजर्व करते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, मैं नहीं जानती थी कि जब मैं 1000 रुपये भी खर्च करने के लिए सोचती थी, ये बात चर्चा, मैं डोसा खाने के लिए भी सोचती थी, और जब मैंने पता नहीं आपका यूट्यूब में वीडियो कई बार मेरे आंखों के सामने आया, मुझे नहीं पता था कि ये है क्या, बकवास है ऐसे बोल दी थी मैंने, पर बार-बार आया, एक दिन मैंने चर्च में देखा तो मुझे समझ में आया कि मतलब मुझे अनिल भाई से बात की, तो उसके बाद मुझे मैं सोचती थी वर्कशॉप क्या होता है, ये क्या बता रहे हैं, तो वो हीलिंग होता है, मुझे जरा सा भी नहीं पता वो आज तक चतरा क्या होता, वो मैंने आपसे मुँह से और अनिल भाई से मुँह से सुना था, ये जानती नहीं थी वो मूलधार होता है, साविधान, मणिपुर, जो भी आपने सिखाया है उस चीज के बारे में जीरो नॉलेज, हम जानते नहीं थे हमारे बॉडी में ये चीज भी है, ये हमें मालूम ही नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा पेमेंट कर दी, तो मैंने एक बात ही नहीं सोचा, मैंने पेमेंट कर दिया आपको, वर्कशॉप ज्वाइन कर ली। शुरू शुरू में तो मैं बिल्कुल भी हर बात पर रो जाती थी, डिप्रेस हो जाती थी, अभी क्या है ना कि अभी तो रोती नहीं हूँ, वैसे नहीं रोती, मतलब इंटेंशन नहीं रोती हूँ, पर मतलब उस रोना मतलब उस टाइप का रोना नहीं होता, मतलब हम होता ना 100 दिन में एक बार रो जाते तो वो आ जाता, पर हर वक्त टेंस में डिप्रेस नहीं रहती हूँ। हाँ, कुछ सिचुएशन अभी कितने भी डिफिकल्ट होते हैं और कुछ मिनट के लिए 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा डिप्रेस नहीं बोल सकते, माइंड में घूमते हैं पर निगेटिव नहीं घूमते, पॉजिटिव ही घूमते हैं। और दूसरी बात की मैं ना हमेशा हर किसी के बारे में एक निगेटिव थॉट क्रिएट करके रखती थी अपने माइंड में, तो हीलिंग के बाद
मुझे ना कोई चीज के लिए भी पीछे पागल भी थी मैं, तो हीलिंग के बाद ना वो पागलपन, वो चीज चेक करना सोशल नेटवर्क इंटाइज पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी आयो में, तो वो सब चीज बंद हो गया, फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ वो चीज है मेरे पास, मुझे पता है ऐसे करके है, वो ऑलरेडी मेरा है, वो कहीं नहीं है, मतलब इस टाइप का फीलिंग आता है। और जिस मोमेंट पे अभी मैं हूँ यहाँ पे, यहाँ पे जो बैठी हूँ ना, जो चीज मेरे लाइफ में चल रहा है ना, मैं मतलब मुझे रोना नहीं आ रहा, शायद दूसरी लड़की होती तो रो जाती, पर मैं रोना नहीं आ रहा। अब मैं रोई भी थी दो दिन पहले, पर पता नहीं मैं उसके बाद पॉजिटिव हो गई। ओके होने दो ना, ऑलरेडी तो मैं हूँ ना वैसे, तो फिर इधर इधर मैं जाके कहाँ जाऊंगी, मैं उस तारीख का मैं परफेक्ट हूँ, तो मैं ये कहना चाहती। थैंक यू, लव यू। देखो मैम, मैं भी ठीक हूँ। हाँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मुझे आपके हीलिंग का बिफोर एंड आफ्टर एक्सपीरियंस जानना है। जब ये मैंने ज्वाइन नहीं किया था, उसके पहले तो मैं काफी मींस इमोशनली काफी वीक थी मैम। कोई कुछ भी कहे, मींस मैंने आपसे शेयर भी किया था कि किसी की नेगेटिव एनर्जी हमें टच करती, अब कोई किसी की भी नेगेटिव एनर्जी मींस टच नहीं करती, मींस मैंने वो हाई हो गई। हाँ वो मैंने कर रही हूँ वो, कि किसी की भी नेगेटिव एनर्जी हो लेकिन हम तो सिर्फ पॉजिटिव ही भेजे और वो धीरे धीरे करके हो जाएगा, ऐसा मैंने सोचा है अब, तो वो मैं कर रही हूँ। अच्छा है, हाँ अच्छा है मैम, एक्सपीरियंस अच्छा है। समय देने के लिए थैंक यू। आज जब आपसे नहीं मिली थी, अब आपकी क्लास जब ज्वाइन नहीं किया था, तो काफी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, और हर एक बात को हम इतना ज्यादा सोच सोच के इतना स्ट्रेस ले लेते थे हम, एंड ना कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाती थी, और अपने बारे में तो सोचती ही नहीं थी। बट आफ्टर आपका जो जब क्लास किया, मेडिटेशन क्लास, तो ड्यूरिंग द क्लासेस चेंजेस आने मुझे शुरू होने दिख गए मेरे अंदर ही, लाइक धीरे धीरे मैं अपने बारे में सोचने लगी, चीजों को पॉजिटिव वे में सोचने लगी। सामने वाला अगर कुछ बोल भी रहा है ना, तो उसको ना दिमाग में नहीं बैठा रहे, ठीक है वो थोड़ा देर सोचे, उसका सोच है, मेरा सोच तो नहीं है, चलो लेट गो, जाने दो। प्लस इमोशनली बहुत स्ट्रांग हुए मैम, मतलब अब इतना लाइट फील करती हूँ ना मैं चीजों को ना, अब ना स्ट्रेस और टेंशन जैसे लगता है मेरे को टच नहीं कर पाएगा। जैसे हम छोटी छोटी चीजों को लेके जितना सोचते थे ना, अब हम उतना नहीं सोचते, अब हम बहुत लाइट फील करते हैं। Oh, I love you so much. अपना अपना रखे ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। I love you all. टाटा।